तभी वहां एक विशाल असली का सांप प्रकट हो जाता है जो उन तीनों बच्चों को निगल जाता है और एक दूसरे को जोर जोर से मारने लगते हैं। एक समय की बात है, चिंटू, मिंकी, राजू नाम के तीन बच्चे एक जंगल में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते वह एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक विशाल जादुई सांप सीढ़ी रखी होती है। उस विशाल सांप सीढ़ी को देखकर राजू कहता है, अरे आज से पहले तो इतनी बड़ी सांप सीढ़ी मैंने नहीं देखी। तभी उस सांप सीढ़ी में से आवाज आती है, क्या तुम सभी बच्चों को जादुई दुनिया की सैर करनी है? सभी बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ, हमें जादुई दुनिया की सैर करनी है। सांप सीढ़ी फिर से बोलती है, जादुई दुनिया में जाने के लिए तुम्हें यह सांप सीढ़ी का खेल खेलना होगा। तुम में से जो भी इस खेल को पार करेगा मैं उसे जादुई दुनिया में ले जाऊंगा और फिर वह वहां से जितने चाहे जादुई खिलौने ले जा सकता है। जादुई खिलौनों की बात सुनकर वे तीनों बच्चे सांप सीढ़ी खेलने लगते हैं। तभी राजू पासा फेंकता है। पासा फेंकते ही उसके सामने एक असली की सीढ़ी आ जाती है। राजू उस सीढ़ी पर चढ़कर आगे बढ़ जाता है। राजू के बाद चिंटू अपना पासा फेंकता है। जैसे ही चिंटू सीढ़ियां चढ़ता है वह सांप के मुंह तक पहुंच जाता है। तभी वहां एक विशाल असली का सांप प्रकट हो जाता है जो उन तीनों बच्चों को निगल जाता है, जिससे कि वे बच्चे एक विचित्र दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर दो भूतिया राक्षस होते हैं और वह बहुत ही भूखे होते हैं। खाने की तलाश में वह इस दुनिया में इधर उधर भटक रहे होते हैं। अरे भाई, बहुत समय बीत गया, कोई शिकार नहीं आया और कितने दिनों तक हमें यहाँ भूखा रहना होगा। अचानक एक राक्षस की नजर उन बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। वह देखो भाई, कुछ बच्चे हमारी तरफ ही आ रहे हैं, चलो इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। दोनों राक्षस उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। राक्षस उन तीनों बच्चों को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी चिंटू अपना दिमाग लगाता है और वह वहां से बच निकलने की योजना बनाता है। चिंटू उन दोनों राक्षसों से कहता है, हमें खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना है, इसे खाकर तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु वह खाना हमारे गाँव में है और वह खाना हम तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम हमें हमारे गाँव लेकर चलोगे। यह सुनकर दोनों राक्षस खुश हो जाते हैं और उन बच्चों को लेकर गांव में आ जाते हैं। गांव पहुंचकर एक राक्षस चिंटू से कहता है, अरे छोटे बच्चे, तुमने कहा था कि तुम्हारे गांव में बहुत सारा भोजन है, बताओ वह भोजन कहाँ है, हमें भूख लगी है। यह बात सुनकर चिंटू कहता है, वह सारा भोजन तुम दोनों में से किसी एक को ही मिल सकता है। तुम दोनों में से किसी एक का ही पेट उस भोजन से भर सकता है। अब तुम दोनों में से जो भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वह उस भोजन का मालिक होगा। राक्षस कहता है, हाँ हाँ, मुझे बताओ, वह सारा भोजन मेरा है, उसे मैं खाऊंगा। तभी दूसरा राक्षस कहता है, नहीं नहीं, वह सारा भोजन मैं खाऊंगा, तुम चुप करो, उस भोजन को खाकर सबसे पहले अपनी भूख मैं मिटाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों राक्षस आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को जोर जोर से मारने लगते हैं। तभी बाकी बच्चे सभी गांव वालों को उन राक्षसों के बारे में बता देते हैं। सभी गांव वाले आग जलाकर वहां आ जाते हैं। उन दोनों राक्षसों में इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि वे लड़ते लड़ते एक दूसरे को ही मार देते हैं। दोनों राक्षसों के मरते ही गांव वाले उन्हें आग लगा देते हैं। तभी पिंटू गांव वालों से कहता है, चलो गांव वालों, अभी हमें वह भूतिया सांप सीढ़ी भी जलानी होगी, नहीं तो फिर वह किसी गांव वालों को निगल जाएगी। सभी गांव वाले और पिंटू उस भूतिया सांप सीढ़ी के पास आ जाते हैं और उसे आग लगा देते हैं। बेटा, भला हो तुम्हारा जो तुमने हमें इस भूतिया सांप सीढ़ी से बचा लिया, वरना यह हम सबको निगल जाती। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।